तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ खास नहीं कहा था, बस सोमा के तीनों जो लॉयल मैन थे उनके साथ में जो विग मैन है सोमा का अपोजिट वाला, उसके लॉयल आदमियों को ठोका ठाका था, और सोमा की जो टेरिटरी है उसे थोड़ा बहुत स्टेबल करने की कोशिश करी थी, क्योंकि विग मैन को जितना भी एक्सटर्नल सपोर्ट था वो इसकी मेन ताकत थी। और एक जो बंदा सोमा के इनर सर्कल में, उसे ही पता करने के लिए कि मतलब वो कौन है, हमने सोमा के तीनों लॉयल मैन से ये पूछा था कि बाकी के दो लोग सोमा के बारे में क्या सोचते हैं, सोमा से कैसे मिले, और वो खुद सोमा के बारे में क्या सोचता है, सोमा से कैसे मिला। तो कुल मिलाकर उनकी बातों से हम थोड़ा बहुत पता लगाने की कोशिश करेंगे। पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस वाली वीडियो में देखेंगे किसने धोखा दिया सोमा को। और भाई फिर मैंने सोचा, थोड़ा सा बीच बाच में गेम खेल रहा था, तो मैंने सोचा एक हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड में भी टेरिटरी है जिसपे सीगर्ड गया हुआ है, तो मैंने सोचा वहाँ पे जितने खजाने वजाने हैं ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स वालों के, उन्हें भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लूट लाट लेते हैं। तो भाई मैंने यहाँ के जितने भी हैं सारे खजाने लूट लिए, बस दो खजाने बचे हुए हैं, वो दोनों ही जमीन के नीचे पता नहीं कहाँ दबे हुए हैं, उन्हें ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, उन्हें दोनों को बाद में देखेंगे कहाँ पे हैं वो। और क्योंकि सीगर्ड की अभी कुछ खबर नहीं आई कि उसने इस जगह को मिला लिया अपने साथ में, नहीं मिलाया क्या हुआ, तो इसके बारे में भी देखना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं, कैसे बात थी सीगर्ड के साथ में। खैर वो तो बाद में देखेंगे, पहले अपना जो सोमा के साथ वाला काम है उसे फाइनल करते हैं, फिर देखते हैं क्या बात है सीगर्ड के साथ में, अभी तक उसी कोई खबर कैसे नहीं मिली। और भाई यार अभी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने सोचा चलो आसपास देख लेते हैं कहाँ क्या है। तो भाई सबसे ऊंची जगह यही थी, गिरजाघर का प्लस का साइड नॉर्थ था, ये मैं तुम्हें करके दिखाऊँ, ये वाला जो प्लस था हुआ है यही थी सबसे ऊंची जगह। तो मैंने सोचा यहाँ चढ़ के देख लेते हैं क्या सीन है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, काफ़ी दूर तक के काफ़ी सही सही नज़ारे आ रहे थे। तो भाई पहुँच गए सोमा के शहर के पास, और थोड़ा सा आगे चलते ही सोमा का शहर है। भाई साहब यार ये देखियो, बंदे घोड़ा हटा के ये ले लिया कुत्ते सा जान में, मतलब ये पता नहीं गिदड़ा है भेड़िया, भेड़िया तो क्या छोटे से हुए हैं, गिदड़ा होगा पक्का। तो क्या मैं कहीं रहा नहीं है ऐसे, मतलब जंगल वंगल में तो मुझे पता नहीं क्या होते हैं एग्जैक्टली कुत्ते, देखो उस बंदे। लेकिन हाँ ये भाई देखो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा, देखो अगर मैं क्या कहते हैं नीचे भी तो जाऊंगा ना, अब देखो भाई कंपैरिजन। ओए भाई मैंने ना जो ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के बंदे हैं उन्हें भी हमें ढूंढना है, बीच बाच में कोई मिल जाए तो पेल पाल देना है। तो मैंने एक ऐसी बंदों को पेल दिया था जैसे खजाना लूट रहा था ना मैं, तो भाई वहाँ पे मुझे रास्ते में दिख गया था एक ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का, मतलब वो थोड़ा बॉस टाइप का था, वैसे तो हम छोटे मोटे सैनिकों को पेलते हैं लेकिन वो थोड़ा सा बॉस टाइप का बंदा था, तो भाई मैंने उसे ही पेल दिया था। देखो जैसे मतलब अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे कोई मिला ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का तो उसे वीडियो के टाइम पे पेल दूंगा, नहीं तो भाई। तो भाई सोमा ने बंदा पकड़ लिया, और ये है वो बंदा जो बीच में खड़ा है ना, ये है वो बंदा जो मतलब उस सोमा के लिए काम करता था। ये कह रहे विग मैन का, ये शहर हम पूछे थे ना विग मैन कहाँ है, तो कहा ये शहर उसी का है, ठोक दिया भाई साहब, इन्फॉर्मेशन निकालनी थी निकाल ली, अब पेल दिया। तो सोमा से चल के बात करें, देखते हैं विग्वान को कहाँ मतलब कैसे पेलना है, तो पता लग गया कहाँ पेलना है, कहाँ पे है वो, कैसे पेलना है देखते हैं। ठीक है, तो भाई यार वो जो बंदा था ना वो इसके इनर सर्कल वाला नहीं था, वो कोई वैसे ही बंदा था जो उसने पकड़ा हुआ था विग्वान का। तो हमने अभी मतलब अभी से ये भी नहीं पता कि कौन हो सकता है वो जिसने ये काम करा होगा, लेकिन हाँ हमने जो भी उनसे तीनों बंदों से पूछा था कि भाई तुम इसे कैसे मिले, क्या सोचते हो, क्या बात है, कैसे है, वो सब हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब वो ऐसे तुमसे मिला ऐसे ये सब बात है। और भाई अभी हमारे पास कोई क्लू नहीं था, कोई सबूत नहीं था हमारे पास, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे इससे कि भाई कौन हो सकता है सस्पेक्ट। तो इसलिए हमने कही कि अभी हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा बहुत चल के क्लूज वगैरह ढूंढते हैं फिर देखते हैं क्या है। This tunnel leads to the longhouse. The trader marked it with a yellow cross, then opened the way and let them in. The trader must have exited here with a few more. तो भाई यार यहाँ पे ये देखो ये येलो कलर का निशान बना रखा उसने, तो वो बंदा हो सकता है इस चीज़ में जिसे सोमा की लीडरशिप पसंद नहीं है, हो सकता है उसी ने मतलब सोमा को हटाने के लिए ये काम करा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे येलो मार्क है। और यहाँ से क्या कहते हैं सारे बंदे अंदर आए उसने इस जगह को दिखाने के लिए कि हाँ ये है वो मेन रास्ता, यहाँ से वो टनल जाती है गुड़गांव के अंदर। भाई पीला कलर बस उसी पे था, उसी की एक बाल्टी छोड़ी हुई थी पीले कलर की, वो सोमा ने कही थी कि जो पीला कलर है ना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब इतनी आसानी से मिलता मिलता नहीं, काफ़ी मुश्किल है इसे बनाना। तो यार ये एक हमें क्लू मिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसे जाकर सोमा को बतावें देखते हैं क्या सीन है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही बंदा है, फाइनली यार शैलो होम्स वाला काम करके हमने पता लगा ही लिया कि कौन हो सकता है, अब बस सोमा को बताने की देरी है। इसलिए भाई साहब मैं कोई सबूत ढूंढने का इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे कि पता लग सके कि कौन है, क्योंकि वैसे नहीं पता लगता है किसी से बातचीत करके, कंफर्म नहीं हो पता बातचीत करके। तो भाई मैं बताऊँ तुम्हें अभी हुआ क्या था, काफ़ी मतलब तो थोड़ा सा वैसा अजीब सा सीन था, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ।
तो हुआ क्या था भाई, हमने बताया था कि भाई लीफ ने काम करा क्योंकि येलो पेंट से मांग पाती, येलो जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर टाइप का कलर है और मतलब इसे इतने आसानी से नहीं मिलता। लीफ के पास 2 बाल्टी येलो कलर था, 1 बाल्टी तो हमने उसके यहाँ पे रखा देखा था लेकिन दूसरी बाल्टी मिसिंग थी। तो उसमें क्या है, उस जगह के आसपास में फुटप्रिंट्स भी इस तरह के हैं कि हो सकता है कि लीफ वहाँ पे गया हो। और सबसे बड़ी बात कि येलो कलर था वहाँ पे, येलो कलर भाई बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता इतनी आसानी से, काफ़ी मुश्किल है उसे बनाना। और लीफ ही मतलब एक तरह से उसे अरेंज कर सकता था। तो भाई शक तो मुझे इस पर थोड़ा बहुत पहले से ही था लेकिन फिर कन्फर्म भी हो गया जब हमें एक एविडेंस मिल गया। तो भाई हमने बात सुमा से बताई, हमने बताया कि भाई लीफ ने तुम्हारे साथ में गड़बड़ करी है। तो भाई जब सोमा को इस बात का पता लगा तो उसने लीफ से कहा कि मतलब लीफ हमेशा सोमा से इस बात से चलता था क्योंकि ये जो राज सिंहासन है ये लीफ का भी हो सकता है लेकिन सोमा का हो गया, सोमा को लास्ट में राज्याभिषेक हुआ तो इसलिए वो उससे थोड़ा बहुत मतलब जलता था। तो भाई फिर लीफ ने कहा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा और ऐसा कुछ नहीं है। भाई उसने खूब अपनी कोशिश करी ये बताने की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा लेकिन भाई सोमा को पूरा विश्वास था कि उसी ने करा है। तो भाई उसने क्या करा, कोई एक चक्कू सा लिया उस भाई उसका गला काट दिया और भाई फिर वो मर गया। और उसने कहा कि विग मैन ने तुझे हमारे से पहले ले लिया था और बॉडी को हटा दो। तो भाई फिर के बाद सोमा हमारे से कह गए कि वो किसी मतलब विग मैन के पास जाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए कहीं दूसरी जगह पे तैयारी करने जा रही है, कहीं साइड में भार भार की तरफ हमारे से वहाँ आके मिलने को कही। मैं फिर तभी ओडिन दिखे थे, ओडिन ने हमें कहा काफ़ी कम होता है ऐसा, पिछली बार में ओडिन जब भी दिखे थे जब हमने ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स वाला जो बंदा है जिसने हमारे पर 17 साल पहले हमला करा था मतलब हमने उसे मार दिया था। तो भाई जब भी हमें ओडिन दिखे थे लास्ट टाइम ओडिन ने कहा कि भाई के सोमा जो है वो एक अच्छी लीडर है लेकिन एक अच्छी फ्रेंड नहीं है। उसने लगता था सोमा को कि वो दोनों काम एक साथ कर सकती है लेकिन वो नहीं कर सकती। तो भाई अब हम विग मैन को ठोकने जा रहे हैं, लोकेशन हमें मिली गई उसकी, विग मैन का एक आदमी पकड़ लिया था हमने, उसने बता दिया था हमें कहाँ है उसकी लोकेशन। तो फिर भाई ये पूरा इलाके की मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी ओवरऑल, एक हमारा अलायंस तो बन ही गया लेकिन इस अलायंस के अंदर भी टेंशन है ना। तो अगर अलायंस के अंदर टेंशन नहीं होगी, अलायंस खुद ही मतलब अलायंस का जो पार्टनर है वो खुद स्टेबल नहीं होगा तो हमारी मदद क्या करेगा उसके, अगर कहीं कहीं वो जगह से ही खतरा होगा तो इससे भाई ये वाला काम होते ही अलायंस पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो भाई फिर क्या है, हम अगले अलायंस की तरफ बढ़ेंगे, सीगर्ड जहाँ पे गया हुआ है वहाँ पे जाके देखेंगे क्या बात है क्या नहीं है, अभी तक सीगर्ड भाई की कुछ खबर नहीं आई। तो भाई पहुँच गए हम सोमा के पास और चल के इससे बात कर लें थोड़ी बहुत, और भाई इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि हम इस समय भी इसके साथ हैं। और विग मैन भी जहाँ तक है ऑर्डर ऑफ द इंसेंट्स का ही बंदा है, मैं एक बार चेक कर लूँ ऑर्डर ऑफ द इंसेंट्स वाली मेन्यू में, विग मुंड है लेकिन इसे सब विग मैन कह रहे हैं। और भाई ये वाला बंदा जो है ये मुझे ऐसे ही इधर उधर जैसे खजाने वजाने ढूंढते हैं ना तो उस टाइम पे मिल गया था भाई, मैंने इसे ऐसे कोई नॉर्मल सैनिक सोच के ठोक दिया था फिर पता लगा ऑर्डर ऑफ द इंसेंट का बंदा है। भाई ये किसी मोनेस्ट्री के अंदर चुपचाप दुबका पड़ा है लेकिन कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है, फोड़ेंगे उसे आराम से। चल निकल भाई साहब, तुम्हारे भाई ने ना एमिंग और आर्चरी में काफ़ी सही काम कर लिया, अब मतलब आराम से बंदों को ऐसे ही सामने खड़े खड़े हेडशॉट भी फेल दूँ। इन वाली झाड़ी में छुपना पड़ेगा इसे 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 इसे। अरे यार सुन जानते 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 रुक जा रुक जा, लड़ाई में तुझसे कोई फायदा नहीं है। ओ भाई साहब विग मैन आ गया अब तो। आ जा बेटा आ जा आ जा आ जा आ जा चल। Give up you shit. Your life for that. We got your belly. भाई साहब ये इतनी पास से नहीं मार पा रहे, रुक जाए इसका भल्ला बनाऊंगा। तो चलो यार विग मैन की किल कंफर्म कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द इंसेंट्स का बंदा है, जो भी भाई ऑर्डर ऑफ द इंसेंट्स के बंदे होंगे ना उन्हें हमें इस तरह से किल कंफर्म करनी पड़ेगी उनकी कि भाई ऐसा भी हो सकता है मक्का से आगे पड़ जाए। और भाई जैसे मैंने पीछे वाले को मारा था ना तो भाई मुझे कुछ विजन दिखे थे, हाँ भाई यहाँ भी विजन नहीं दिख रहा है, विजन जरूर दिखा भाई इन्हें ठोकने के बाद में।
रिश्ता मंजूर है। इसे भाई साहब ये कर दिया हमने, जैसे वो बाकी के बंदों के जाए थे ये ले लिया इस हमने। रीजन भी ले सकते हैं ये जो इनका लोग टाइप होता है वोट ऑफ द इंसिडेंट वालों का, इनकी निशानी है। तो भाई ये ठोक डाला इसे हमने विग मुंड को, और भाई बाकी किसे किसे ठोकना है क्या करना है वो सब बाद में देखा जाएगा। और भाई मैं बताऊँ अभी विजन में हुआ क्या था। ओडिन कहे थे, हम कहते कि भाई तुमने सारे गलत काम करे और भाई काम ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी भविष्य में ग्लोरी हो, लोग तुम्हें महान आदमी के रूप में जान, जो तुम्हारा नाम है वो कर्ज जो हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में। तो इनने कही थी कि मैं अपने नाम को कर्ज करवा के, और भाई मैंने काफ़ी सारी चीज़ कमा ली जिससे मुझे पावर मिली, ग्लोरी मिली और ये सब मिला। और भाई ये जो है ना बंदा पूरी तरह से ओड ऑफ द इंसेंट्स के इन्फ्लुएंस में था। ये नो कह था कि भाई अगर मैं मुझे मार दिया तो मैं ही मर गया, तो भाई मैं ओड ऑफ जिंदा रहेगा और क्या कहते हैं हम लोग जिंदा रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला। तो भाई हमने इसे भेज दिया हेल में। तो भाई ये गैलन था असली में, या इसने जो सोमा की ट्रस्टवर्दी थी उसे भी भाई ठोक दिया। और इसने मतलब प्लांट करे थे सबूत इस तरह से कि मतलब ये जो है ना ऐसा लगे जैसे कि, अब आ जा बेटा आ जा बेटा आ जा। भाई साहब इसने चाहता था सैनिक भी लगा रखे, मैं तुम्हें सीन थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इनकी पहले सैनिकों की ठिकाने लगा दूं। एक गया, वो देखें कहाँ कहाँ को हैं इसके बंदे। अरे यार ये रहा एक। भाई साहब हेडशॉट हेडशॉट में गिरने पड़ेंगे सारे के सारे। ये गया भाई साहब, इसके पड़ा हेडशॉट। वो भाई इसे गैलन को सोमा ने हरा दिया, और हमने जो इसके और बंदे बंदे आए थे उन्हें ठिकाने लगा दिया। ओ भाई साहब ये बच गई। एक को तो भाई इसने फंसा दिया था उस, भाई इस बंदे ने चुराया था उसका येलो पेंट, हमें लगा था कि भाई उसने जान के वो करा, इसने भाई साहब उसका येलो पेंट चुरा के भाई कर दिया काम। और भाई इसने क्या करा, ये जो है ना सुमा की दूसरी ट्रस्टवर्दी, भाई इसने क्या करा इसे मतलब पकड़ के और भाई इसे ठोकने जा रहा था, वो भाई चारों तरफ लगाए थे इन्हें अपने आचर। तो भाई फिर क्या हुआ, हम आ गए एकदम से, वो भाई हमने इस मतलब सोमा ने इसे कहा कि तुम थे वो असली में, और भाई तुम्हारी वजह से एक जो वो था मतलब इनोसेंट आदमी वो मारा गया। और भाई इसने ऐसा इसलिए कहा था अपने कुछ विजन्स के ऐसे, इसे कुछ विजन्स आते थे कि भाई किसी माउंटेन के टॉप पे चढ़ गए, वहाँ पे एक ही खड़े होने की जगह थी, तो भाई इसने मतलब उसके आगे इसने बताया था, तो भाई इसने कहा कि उस माउंटेन के टॉप पे जो लास्ट में खड़ा रहा वो मैं थी, सोमा ने कहा। और भाई फिर उसे क्या कहते हैं ठोक ठाक दिया हमने उसे, मतलब उससे तो वही लड़ी, यही सोमा ही लड़ी थी, हम तो भाई जो इसके चारों तरफ आ जाते उनसे लड़ते कि भाई चारों तरफ से आग वाले तीर फेंक रहे थे वो, तो उससे हमें काफ़ी डैमेज हो सकता था और सोमा को भी काफ़ी मुश्किल हो सकती थी लड़ने में। अगर सोमा भाई हारती तो भाई फिर हम जाते उस बंदे के पास में, क्योंकि वो इतना तगड़ा नहीं था, आचर ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हमें। और फिर भाई सोमा ने कहा कि मेरी जितनी फोर्सेज हैं जो भी मेरे बंदे हैं वो जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो तुम्हारे साथ लड़ने आएंगे, और मेरी ओथ जो है वो अभी वही है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मेरे बंदे तुम्हारे से लड़ने आएंगे, मतलब तुम्हारे साथ, हमारे से नहीं हमारे साथ लड़ने आएंगे। तो भाई यार आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो अगली वाली वीडियो में हम जो अपने बेस के जितने भी क्वेस्ट हैं, जितने बंदों को भाई समस्या समस्या आ रही है हमारी जरूरत है, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जरूरत पूरी करेंगे। और सप्लाई तो मेरे पे इतनी नहीं है अभी इस टाइम पे कि कुछ नया बना सकें, लेकिन जो भी है उसे ही एक्सपेंड करेंगे। अरे यार ये एक्स्ट्रा भी नहीं दे देते, आ जाओ तू भी, बताओ यार बीच में डिस्टर्ब करें। हाँ तो फाइनली आज वाली वीडियो में इतना ही, मजा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में।